हेलो नमस्ते दोस्तों, आज दिव्या किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही नए तरीके से ब्रेड का नाश्ता हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हमारे वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो हम लोग ब्रेड का नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड देख सकते हैं एक पैकेट है, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है। ये मैंने लिया है बेसन, ये मैंने लिया है प्याज, आप देख सकते हैं कटे हुए प्याज है, और ये मैंने लिया है मिर्ची, हरी मिर्च जो होती है ये भी कटी हुई है, ये मैंने लिया धनिया। तो सबसे पहले हम लोग बेसन का पेस्ट बनाएंगे ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए। तो ये मैंने बाउल लिया, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें बेसन डालेंगे। इसमें से हम लोग सबसे पहले धनिया डालेंगे, अब हम लोग इसमें प्याज डालेंगे, अब हम लोग डालेंगे इसमें मिर्ची, तो हम लोग इसमें डालेंगे एक चम्मच घी, और अब कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे हम लोग, आधे से कम चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, टेस्ट के अनुसार आप नमक ले सकते हैं, मैंने इस टाइम आधी चम्मच लिया है, चाट मसाला, थोड़ा सा कच्चा जीरा, और इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, हम लोगों को डालना है एक साथ नहीं डालना है। तो हम लोगों को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है बेसन, तो आप देख सकते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इस पानी को भी मिक्स कर लेंगे हम लोग। हम लोगों को इसमें थोड़ा सा और पानी डालना है और इसको भी हम लोग मिक्स करेंगे। तो हम लोगों का पेस्ट बन चुका है, तो अब हम लोग इसमें डालेंगे अजवाइन, अजवाइन हमको चुटकी भर डालना है, अजवाइन को भी हम लोग मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अजवाइन से। तो हम लोगों का पेस्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो मैंने ये ले लिया है नॉनस्टिक पैन, तो हम लोग अब इसको गर्म कर लेंगे। तो हम लोगों का पैन गर्म हो चुका है, तो हम लोग इसमें घी डालेंगे, पर इस टाइम हम लोगों ने गैस का फ्लेम फुल कर रखा है, तो हम लोग अब इसको घी को हम लोग फैला लेंगे इस तरीके से। तो मैंने फैला लिया, आप देख सकते। तो अब हम लोगों के पेस्ट को भी 10 मिनट हो चुके हैं रखे हुए, तो हम लोग एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और अब जो हम लोगों ने ब्रेड लिए हैं उसको हम लोग इस तरीके से इसके अंदर डुबाएंगे थोड़ा सा,
इस तरीके से बिल्कुल हम लोगों को करना है इसको। और अब हम लोग इसमें इसमें डाल देंगे प्याज तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सीख चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पलट कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो हम लोग अब इसमें थोड़ा सा इस तरीके से घी भी थोड़ा सा इसके अंदर तक दे देंगे जिससे इसका कलर अच्छा आ पाए। तो हम लोगों का थोड़ा सा इसमें कमी है तो हम लोग थोड़ा सा इसको और सेकेंगे इसी तरीके से। तो हम लोगों को दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं सिक चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो हम लोग अब इसको निकाल लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको मैंने निकाल लिया और अब हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे सभी को। तो हम सभी को इसी तरीके से डाल लेंगे। और जो आप देख सकते हैं मैंने घी लिया था वो बच भी चुका है। तो हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे इसको। तो अब हम लोग इसको भी चेक कर कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं आराम से निकल गया और इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो हम लोगों को दोनों ही साइड से सीख चुका है आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब दूसरे को भी इसी तरीके से और हम लोगों को पेस्ट इसी तरीके से रखना है। तो हम लोगों का ब्रेड का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों का ब्रेड का नाश्ता। तो आप घर पे ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिए। तो हमारे ब्रेड का नाश्ता सर्व हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमारे सिंपल तरीके से ब्रेड का नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।